चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला साडश की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुँचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेज़ों के मुखवीर बन गए थे और आज़ाद की मुखवीरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली मिस होने से भद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भवड़ा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका वर्तमान उन्नाव जिले से थे। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भावड़ा गांव में बीता, अतः बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर शस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। सन 1919 में हुए अमृतसर के जलियावाला बाग नरसंहार ने देश के नव युवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जस्ते के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी साडश अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो साडश के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग कर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब साडश के अंगरक्षक चनन सिंह ने दोनों का पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बंदूक से उसे भी गोली मारकर समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बुक्टेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करके पश्चात भगत सिंह और बुक्टेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार प्रसार मंच बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। साडश वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की। आज़ाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नज़दीक वासराय की गाड़ी पर बम फेंका तो इससे आज़ाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इसमें वासराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे। आज़ाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था।
इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें पूरा जवाब दे दिया गया था। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी या कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुर, भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वैश्यपयन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आज़ाद से एक पार्क में मिलने जाते वक्त शहीद कर दिया था।